ये जो सिलेबस इस वक्त स्क्रीन पे आया है ये है प्री का। इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी जो इसके टॉपिक्स हैं, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपैरिजन। दूसरा माइग्रेशन, टाइप्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। इसमें लिखा ही गया है, जो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, कि जो प्रीलिम एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन लेवल का एक स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट कर सकता है। दैट मीन्स जितनी एक ग्रेजुएशन लेवल पे किसी भी टॉपिक की नॉलेज होगी उससे ज़्यादा नहीं होगा। पर इसमें फर्दर जो है कि एक जनरल नॉलेज के लिए हमें कभी भी ये चेक करना पड़ता है कि एक स्टूडेंट है जिसने कभी ज्योग्राफी पढ़ी ही नहीं है तो उसने किस लेवल तक पढ़ी है। तो उसके पास या तो 10th है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 10+2 में भी ज्योग्राफी पढ़ी है, तो उसी लेवल के इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, 10th और 10+2। और जनरली इसमें ये जो मेंस का जो है इसके जो रेफरेंसेस हैं, अगर हम सेल्फ स्टडी मोड में इसको स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें एन सी ई आर टी जो 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड वो सफिशेंट है इस इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। पर एन सी आर टी एक बेस है, इसके अलावा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड उसकी जो 9th और 10th की बुक्स हैं उसमें जो ज्योग्राफी पोर्शन है वो सफिशिएंट है एक बेस तैयार करने के लिए कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो फुली कवर हो जाते हैं। पर जो इनमें एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक तो है कि बेसिक सीधा ही सीधा क्वेश्चन जो आएगा वो ज्योग्राफी के बुक्स के बेसिस पे आ जाएगा, पर दूसरा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो ज्योग्राफी से रिलेटेड, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से स्टडी की जाएंगी उनमें भी हमें देखना पड़ेगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीति आयोग जो वेबसाइट है उसमें इसकी पॉलिसीज़ के बारे में पता लग जाता है, या पंजाब गवर्नमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग ज्योग्राफी उसके बारे में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें एनसीईआरटी और पीएससीबी ये दो बुक्स तो पढ़नी है 9th और 10th के लेवल तक, पर इसके अलावा हमें करंट में जो करंट अफेयर चल रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से जिसकी जिनकी इम्पोर्टेंस है उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी में, एक तो डायरेक्टली जो बेस के लेवल पे है एनसीईआरटी और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के लेवल पे, दूसरे आएंगे क्वेश्चन जो वो है कि जो ज्योग्राफिकल पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या इंडिया में नेशनल लेवल पे, तो उनके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में रिसेंटली क्वेश्चन जो बन जाता है, जो फ्यूचर का क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया का एक्सपेक्टेड है कि इस साल वो पॉपुलेशन जो है उसमें नंबर 1 आ गया है, पर अभी क्योंकि जो सेंसस इंडिया का रिलीज़ नहीं हुआ, वो पहले 2021 में रिलीज़ होना था, फिर कोरोना की वजह से वो रिलीज़ नहीं हुआ और अभी उसको 2024 तक होल्ड किया हुआ है। पर यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट में एक्सपेक्टेड ये दिया है कि अप्रैल एंड तक या मई में इंडिया जो चाइना को क्रॉस कर गया है, तो उसके कुछ रीजंस हैं, क्या रीजंस हैं। दैट मीन्स ये एक एक्सपेक्टेड टॉपिक है
जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो सेकंड, जैसे ये पॉपुलेशन हो गया, इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो इसमें सीधी जो बात समझने वाली है कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस ही नहीं रखना, वो बेस है, उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी साथ की साथ स्टडी करना है, तब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। अब इसके बाद जो जीएस पेपर वन की बात करते हैं, जीएस पेपर वन हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ये एक कम्बिनेशन ही है। हमें इसमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है और सोसाइटी, पर अभी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। जो फर्स्ट हमने स्टडी किया उसमें हमने डिस्कस किया कि जनरली हमें 9th और 10th की एनसीईआरटी या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक्स हैं 9th और 10th के लिए, वो सफिशेंट है बेस बनाने के लिए। पर जब हम यहाँ पे आते हैं ज्योग्राफी में, तो इसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, मतलब हमें लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, तो इसमें सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन कॉन्टिनेंट, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेकेंड सेक्टर इंडस्ट्री इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी, अगर हम 11th और एंड 12th की एनसीईआरटी अगर बेस लें तो वो हमें काफ़ी इसमें कवरिंग देता है। पर अगर हम कहें कि डायरेक्टली 11th और 12th के बेसिस पे ही क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो आएगा वो कोई भी करंट इशू के ऊपर आएगा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे सेकंड है, इसमें अर्थक्वेक्स, सुनामी, वॉलकैनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर, वाटर बॉडीज, आइस कैप्स, फ्लोरा एंड फोना, ये भी हमें वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस करना है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये अब बात आ गई नेक्स्ट, ज्योग्राफी ऑफ पंजाब। ज्योग्राफी ऑफ पंजाब का बेसिक जो सोर्स है वो जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक्स हैं, वहाँ से इसको सफिशिएंट हमें नॉलेज मिल जाती है रिगार्डिंग पंजाब। तो इसमें फिजियोग्राफिक डिटेल्स ऑफ पंजाब, जियोमॉर्फिक फीचर्स ऑफ पंजाब, पंजाब से स्ट्रेटेजिक लोकेशन विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल बॉर्डर, क्रॉप्स ऑफ इंडिया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एग्रीकल्चरिस्ट, इश्यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर, डिफ्लिशन ऑफ ग्राउंड एट्सेट्रा। तो इसका जो बेस है वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक्स हैं, तो उसी में इसको हम कवर कर सकते हैं। पर इसके साथ, पर ये जो क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आते हैं करंट इश्यूज़ के ऊपर, जो भी रेलेवेंट करंट इश्यूज़ प्रोमिनेंट हैं इस वक्त के लिए, उनके ऊपर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये एक वे है पढ़ने का, कहाँ से हम इसको स्टडी करें, कैसे करें, ठीक है। और जब आप हमारे साथ क्लास लगाते हो तो ये जो टॉपिक्स में दोनों बेसिस क्लियर किए जाते हैं, दोनों बेसिस को कवर किया जाता है। फर्स्ट जो बेस बुक से है, एनसीईआरटी बुक या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक से, दूसरा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और वो क्वेश्चन किस ईयर में आया है, उस वक्त कौन से
जियोग्राफिकल जो पॉलिसीज़ हैं जो प्रोमिनेंट हुई थी वो क्यों आए, आज की डेट में आज के साल में कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं प्रोमिनेंट हैं वो उन पे किस तरह से आएगा क्वेश्चन, तो वो सारे के सारे हम इसमें क्लासेस में डिस्कस करते हैं। जैसे आजकल एक पर्वतमाला परियोजना शुरू हुई है जिसमें रोपवेज सेटअप किए जा रहे हैं, कोई 8 से 9 प्लेसेस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको डिसाइड किया है। उससे पहले एक भारतमाला परियोजना थी तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं, पर अब पर्वतमाला परियोजना जो है उसके ऊपर चांसेस हैं कि क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से हमें ज्योग्राफी पढ़नी ही नहीं है, हमें ज्योग्राफी के साथ साथ है उनके जो करंट इश्यूज़ हैं किस तरह से उसको पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से उसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ सॉरी इसका जो ज्योग्राफी है उसको हमने डिस्कस किया है, और इसको जब आप क्लास में डिस्कस करेंगे तो इसको और डिटेल में, ये सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है जो हमने इसमें डिस्कस किया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।